सब्सक्राइब करें निशांत मैथमेटिक्स और बेल आइकन दबाना ना भूलें वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशांत मैथमेटिक्स। और एसबीआई पीओपीजी का एग्जाम अब खत्म हो चुका है और अब समय आ चुका है कि हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस करें। और एनालिसिस करने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस है। नोटिस क्या है ये आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जब हम लोग कोई भी पीटी को पास करते हैं या फिर पीटी का एग्ज़ाम देते हैं तो फिर हमारे सामने आता है मेंस का एग्जामिनेशन, ठीक है। और मेंस के एग्जामिनेशन में चार सेक्शन होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन होता है वो स्कोरिंग होता है, कब, जब इसमें हम अच्छा तैयारी कर ले तब। आपके पास कितना भी नॉलेज हो, आप कितना भी मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के बारे में बात करेंगे बहुत अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आप फंस गए तो आपका कुछ समय जरूर ख़राब कर देता है। लेकिन हम लोग जनरल अवेयरनेस का तैयारी अगर काफ़ी अच्छा से कर लें तो 40 में से 36 से 38 स्कोर नहीं रह सकता मेंस एग्जामिनेशन में। जैसा अभी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है वैसे हम बात उसकी उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो इस मद्देनज़र से मैंने एक नया एक पैकेज तैयार किया है, पैकेज नहीं कर उसको उसे कैप्सूल कहें, एक कैप्सूल की तरह है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। आप देख सकते हैं कोई भी न्यूज है जैसे फिनो पेमेंट बैंक के बारे में न्यूज है तो ये न्यूज हो गया, उसके बाद में उसका आंसर हो गया। और फिर फिनो पेमेंट बैंक से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स हैं उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, क्योंकि अब एग्जाम में उसी के स्टैटिक फैक्ट्स पूछे जाते हैं जो कि न्यूज में होते हैं। जैसे अगर कोई कैपिटल मतलब कि कोई स्टेट न्यूज में है तो उसके सीएम और गवर्नर, कोई कंट्री न्यूज में है तो उसके कैपिटल और करेंसी, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है तो उसके हेडक्वार्टर या फिर उसके स्थापना दिवस या फिर उसके हेड। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो इसी मद्देनज़र से मैंने इस कैप्सूल को तैयार किया है और इस पर भी काम चल रहा है, यह भी टोटल पूरा नहीं हुआ है। और 23 तारीख को 22 तारीख से एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम शुरू है, उससे पहले मैं इसे पूरा करके प्रोवाइड करा दूँगा। तो इसके लिए इसका पीडीएफ मैं बना दूँगा, ये अभी पावर पॉइंट टेक्स्ट में है लेकिन मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब ये मतलब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि तैयार हो चुका है, आप इसको आप प्राप्त कर सकते हैं, तब आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये किसी भी कीमत में प्रोवाइड करा दूंगा, इसके लिए आप 100% निश्चिंत रहें। और इसमें 1 फरवरी से लेके अब तक के जितने भी न्यूज़ बनेंगे ये SBI PO क्लर्क के लिए, ठीक है, SBI PO और क्लर्क के लिए ये काम करेगा। और एक मतलब कि SBI PO से 10 दिन पहले का न्यूज में इसमें शामिल होगा और SBI क्लर्क के मेंस के 10 दिन पहले का न्यूज में इसमें शामिल होगा। दो बार आपको इसे लेना पड़ेगा, मतलब दो बार आपको ये अवेलेबल कराए जाएंगे SBI PO क्लर्क दोनों के मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो इसे प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब यह मतलब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा और उस पर अपलोड कर दूंगा कि आपका पैकेज तैयार है, आप इसे आप ले सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। जैसे किसान सुविधा लोन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। इसके हेडक्वार्टर और इसके फाउंडर कौन है ये यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं इसके हेडक्वार्टर, CEO ये भी डिस्कस कर दिया गया है। अब 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, तो इसके थीम यहाँ पे मेंशन है। इस प्रकार से आप जब एक न्यूज पढ़ेंगे तो उसके साथ आपके 2-3 न्यूज भी कवर होंगे और इसमें 1 फरवरी के बाद का न्यूज होगा। तो आप यही नोटिस था आपके लिए, जितने भी न्यूज बनेंगे मैं सबको कवर करके इसमें आपको दे दूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। तो बात करते हैं आज के SBI PO एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसमें कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, किस सेक्शन में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं और उसके लिए क्या टाइम अलॉट किए जाते हैं सब आपको पता है, और किस सेक्शन से क्या क्वेश्चन आए थे आज के एग्ज़ाम में 8 जून को ये भी आपको पता है। इस बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि आजकल के एग्ज़ाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस पैटर्न पर निर्भर कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे 2015, 2016, 2017 और 2018 के बारे में। 2015 में जो है पीटी और मेंस वाला सिस्टम आया था बैंकिंग एग्जाम्स में,
तो 2015, 16 और 17 में SBI PO में नॉर्मलाइजेशन का कोई चक्कर नहीं था, था भी तो मुश्किल से 5% था। लेकिन 2018 में इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन हो गया कि मेरे अपने हिसाब से मैंने एक स्टूडेंट को देखा जिसका कि 51 अटेम्प्ट था, उसके 59 नंबर थे और उसका सिलेक्शन हुआ जनरल कैटेगरी में, और जनरल के लिए 56.75 कट ऑफ था लास्ट ईयर, तो इस प्रकार से उसका सिलेक्शन हुआ था। तो पिछले साल जो नॉर्मलाइजेशन का हद है वो काफ़ी बढ़ गया था, और इस बार भी नॉर्मलाइजेशन का हद इसी प्रकार से ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आज फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे। सेकेंड शिफ्ट में और फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बात करेंगे तो इसमें मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थे और मिसिंग नंबर सीरीज भी थे। दोनों हल्के हल्का 10 नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, और और DI भी थोड़ा हल हुआ था। लेकिन थर्ड शिफ्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था लेकिन मिसिंग नंबर सीरीज नहीं था, और यहाँ पे DI भी थोड़ा टफ कर दिए गए थे, और अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी थोड़ा टफ थे लेकिन बनने वाले थे, लेकिन थोड़े टिपिकल हो गए थे, थोड़े लेंदी हो गए थे। तो इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन तो होगा। फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में लड़के लोग 30 से 32 बना रहे थे रीजनिंग में, और थर्ड शिफ्ट में ऐसा नहीं देखा गया। थर्ड शिफ्ट में 24 से 26 तक के लोग अटक जा रहे थे। तो इस कंडीशन में जब क्वेश्चन ऐसे भारी होते हैं शिफ्ट वाइज, तो नॉर्मलाइजेशन होना 100% है, लाजमी है नॉर्मलाइजेशन का होना, क्योंकि जब ऐसे भारी करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही। तो इस कंडीशन में राइट अप्रोच क्या हो सकता है, हम लोग को अटेम्प्ट का, उसके बाद में हम बात करेंगे। तो इस तरह से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होंगे इस बार के, वो प्रीवियस ईयर के इर्द गिर्द ही होंगे, क्योंकि वैकेंसी भी लगभग बराबर है, और ये सालाना इसका नोटिफिकेशन आता है, तो कंपटीशन में कोई खास खास बढ़ोतरी होगी नहीं। तो मेरे हिसाब से इस बार जो कट ऑफ हो सकता है, ये पिछले बार का कट ऑफ है 2018 के लिए। 2019 में हम बात करें तो 54 से 56 जनरल होगा, 56 का भी क्रॉस नहीं करेगा, 56 तक ही रहेगा, 56 क्रॉस नहीं करेगा किसी भी कीमत पे। काफ़ी लोग बता रहे हैं कि 58 से लेकर 62 कट ऑफ जाएगा, ऐसा नहीं है। आज के पहले और दूसरे शिफ्ट में लोग काफ़ी अटेम्प्ट किए हैं, कुछ लोग 80 81 अटेम्प्ट भी किए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, एक्यूरेसी भी मैटर करती है, आप कम बनाएं। अगर गुड अटेम्प्ट के बारे में हम बात करें, गुड अटेम्प्ट तो 60+ आप कर रहे हैं तो आपको 95% एक्यूरेसी लेना होगा, 60 to 65 कर रहे हैं तो ठीक है, और 65+ जा रहे हैं तो आपको 90% एक्यूरेसी लेना होगा। अगर 70+ जा रहे हैं फिर भी आपको 90% एक्यूरेसी लेना होगा, क्योंकि आपका एक्यूरेसी अगर 90% से गिरा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा तो नेगेटिव मार्क के ज़्यादा नंबर कटते हैं, और कटेंगे किसी भी कीमत पे। नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही होता है कि अगर आप ज़्यादा नेगेटिव करते हैं तो आपका मतलब कि नंबर भी बहुत ज़्यादा कटता है, नेगेटिव ज़्यादा करने पर ज़्यादा नंबर कटता है नॉर्मलाइजेशन में। तो इस प्रकार गुड अटेम्प्ट इस प्रकार से हो सकता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 58 बनाएँ, 95% एक्यूरेसी के साथ बनाएँ। जो भी विद्यार्थी 58+ बनाए हैं और उनको लगता है कि उनका एक्यूरेसी 95% है, वो भी सेफ जोन में है, मैं उसे सेफ जोन मानता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से ये गुड अटेम्प्ट हो सकता है इस बार का। और कटअप के बारे में बात करें तो कटअप इसी के इर्द गिर्द रह सकता है, ज़्यादा उसको इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है। 54 से 56 होगा जनरल का, 53 से या फिर 52 से 54 OBC का, ठीक है, 47 से 49 ST SC का, और 41 से 43 ST का, ठीक है, यही कट ऑफ होंगे इस बार के किसी भी कीमत पर। ये जो स्केल है इसको क्रॉस नहीं करेगा मेरे हिसाब से। काफ़ी लोग बता रहे हैं कि 58 से 64 कट ऑफ जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा, क्योंकि ईजी वाले शिफ्ट में जो भी 81 अटेम्प्ट किए हैं, और टफ वाले शिफ्ट में जो 70 अटेम्प्ट किए हैं, वो दोनों इक्विवेलेंट हैं मेरे हिसाब से। मैं तो अभी तक यही हमको पता चला है, क्योंकि मैं एक बात बता दूं कि 2018 में IBPS क्लर्क में मैंने रीजनिंग में 34 अटैम्प्ट किए,
और बाद में मेरे पास 2 मिनट बच गया, 2 मिनट मेरे पास बच गया, और जो मेरा शिफ्ट था उसमें रीजनिंग इतना ईजी आया था कि मेरे पास 2 मिनट बच गए थे इस वही क्लर्क में, लेकिन मेरा जो नंबर आया था इस वही क्लर्क में रीजनिंग में वो 26 नंबर आया था, और मेरा फाइनल सिलेक्शन 3 नंबर से छूटा था। फाइनल सिलेक्शन नहीं, मतलब पीटी में सिलेक्शन मेरा 3 नंबर से छूटा था, मैं यूपी से अप्लाई किया था। तो इस प्रकार ये देखने को मिलता है कि जिस शिफ्ट में क्वेश्चन ईजी आते हैं उसमें पूरा स्कोर करने के बाद भी पूरा नंबर नहीं मिलता है, और किसी शिफ्ट में जो टफ आ जाते हैं उसमें कम स्कोर करने पर भी ज़्यादा नंबर मिल जाता है। ये मेरा कहना नहीं है, ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया है बहुत लोगों के द्वारा। तो इस प्रकार ये कट ऑफ रह सकते हैं, जो कट ऑफ है पिछले साल का जितना भी कट ऑफ था उसको क्रॉस नहीं करेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, और ये नॉर्मलाइज्ड मार्क है। अगर आपका नंबर 51 भी आता है विथ 100% एक्यूरेसी तो भी आपका सिलेक्शन का चांस है, क्योंकि पिछले बार 51 अटैम्प्ट करने वालों को 59 नंबर मिला था इस एपीओ में, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने खुद देखा है ऐसे स्टूडेंट को। तो ये रहा आज का एनालिसिस, इस प्रकार से एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकते हैं इस एपीओ प्री के 2019 के लिए, और आप उस पैकेज के लिए उस कैप्सूल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कैप्सूल कंप्लीट होगा मैं इसे 23 जून से पहले किसी भी कीमत पर कंप्लीट कर दूंगा और आप सबको प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल को बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि बेल आइकन आप दबाए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा या फिर उस कैप्सूल का भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसे कहीं पर खत्म करते हैं, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।